हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई सब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का छठा दिन, और आज मैं आपको कैरी से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। अब कैरी एक ऐसा शब्द है जिसे शायद आपने यूज किया हो या ना किया हो, लेकिन आप आज जानकर हैरान रह जाएंगे कि इससे बेहतरीन और कमाल कमाल के फ्रेजेस बनते हैं जिन्हें बोलकर आप दूसरों के सामने ये दिखा सकते हो आप कितने इंग्लिश में मास्टर हो। अब कैरी से बनने वाले से कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कैरी से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो दो एग्जांपल भी दूंगा। एग्जांपल मतलब एग्जांपल, लेकिन रुको। अरे मैडम, इन्हें कैरी की तीनों फॉर्म्स दिखाओ, मेरा थोड़ा मत देखो, नीचे देखो। कैरी की तीनों फॉर्म्स है, कैरी, कैरीड, कैरीड। लेकिन जो कैरीड कैरीड है, स्पेलिंग पे जरा ध्यान दे लेना, मिस्टेक कर देते हैं लोग। सही है, अब यहां से उठा लेंगे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता लग गई। आओ अब एक एक करके 10 सीखते हैं। पहला वाला है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ, ऑफ में देख लो कितने एफ है, फिर बाद में रो कभी। कैरी ऑफ का हिंदी में मतलब होता है बीमारी से मर जाना, बीमारी से मर जाना, यानी कोई भी ऐसी बीमारी जिससे मृत्यु हो जाए, इसका मतलब वो बीमारी उसे कैरी ऑफ कर गई, उसे बीमारी से उसकी मौत हो गई। अब जैसे मुझे कहना है नई बीमारी ने हजारों लोगों को मार दिया, नई बीमारी ने हजारों लोगों को मार दिया, तो इंग्लिश होगी न्यू डिजीज कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। न्यू डिजीज, जो नई बीमारी थी, कैरीड ऑफ, उसने मार दिया थाउजेंड ऑफ पीपल, यानी हजारों लोगों को। या फिर मुझे कहना है ये बुखार उसे मार सकता है, भाई साहब बहुत खतरनाक बुखार हुआ है उसे, उसे जल्द से जल्द बढ़िया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहिए, यह बुखार उसे मार सकता है, तो इंग्लिश होगी दिस फीवर कैन कैरी ऑफ हिम। दिस फीवर, ये जो बुखार कैन सकता है, कैरी ऑफ, लपेट लेना, लुढ़का देना, मार देना, हिम उसे, तो बीमारी से मरना है, बीमारी से, बीमारी को किसी को मारना कैरी ऑफ कहलाता है। सही है, इससे तो डर सा लग रहा है। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कैरी ओवर। कैरी ओवर, अब कैरी ओवर सुनो, बहुत बढ़िया होता है। कैरी ओवर का हिंदी में मतलब होता है आगे काम आना, यानी किसी चीज का आगे काम आना, किसी दूसरी फील्ड में उससे आगे वाली फील्ड में काम आना कैरी ओवर कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना बहुत बढ़िया है, ये उस जॉब में काम आएगा, यानी आगे जो तुम जॉब करोगे इस एक्सपीरियंस के माध्यम से ये उसमें काम आएगा। सो तुम्हारा एक्सपीरियंस उस जॉब में काम आएगा, तो इंग्लिश होगी योर एक्सपीरियंस विल कैरी ओवर दैट जॉब। योर एक्सपीरियंस, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस, टेढ़ा क्यों हो रहा हूं मैं, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है विल कैरी ओवर, वो आगे काम आएगा दैट जॉब, उस जॉब में, ओवर दैट जॉब हो गया। ऐसे जैसे मुझे कहना है मैं अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट पोस्ट ग्रेजुएशन काम आएगी। इतना लंबा क्यों बना लिया, फंस जाऊंगा, नहीं बनेगा तो दिमाग में जो आया बना लिया। मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में काम आएगी। अब बना फाइव, जैसे अब इसे कहेंगे माय ग्रेजुएशन डिग्री विल कैरी ओवर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, नीचे लिखा हुआ देख लेना प्लीज, में नहीं आ रहा मुझे, तुम इंग्लिश वीक है मेरी, नीचे देख काम चला लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कैरी आउट। कैरी आउट, अब कैरी आउट का सुनो क्या मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं। कैरी आउट के दो मतलब होते हैं पता लगाना या पूरा करना। पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना या पूरा करना, यानी किसी चीज को कंप्लीट करना, पूरा करना, कैरी आउट कहलाता है। दो एग्जांपल लेते हैं, एक पता लगाने पे, एक पूरा करने पे, दोनों हो जाएंगे। जैसे मैं सच का पता लगाऊंगा, मैं हूं सीबीआई, सीआईडी, यूपीआईडी, क्या हूं मैं, तो एसबीआई बैंक हूं मैं, नहीं एसबीआई बैंक तो अलग होती है, सीआईडी हूं मैं। सो मैं सच का पता लगाऊंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल कैरी आउट द ट्रुथ। आई विल, मैं पता लगाऊंगा, कैरी आउट द ट्रुथ, सच का। विल था इसलिए कैरी के फर्स्ट फॉर्म ही रह गई, अब सेकंड फॉर्म वाला ले लेते हैं। अब जैसे उसने अपने सपने पूरे किए, पूरा किया, ये भी इसका मतलब होता है ना, पूरा करना, वो ले लिया एक एग्जांपल, उसने अपने सपने पूरे किए, भाई साहब सारे सपने पूरे कर लिए, सब कुछ खरीद लिया, एप्पल वॉच हमने भी खरीदी है, कभी तुमने देखी ना हो यहां पे, उसने अपने सपने पूरे किए, तो ही कैरीड आउट हिज ड्रीम्स, ही कैरीड आउट हिज ड्रीम्स। अब कैरी आउट की सेकंड फॉर्म नीचे से उठा ली मैंने, कैरीड आउट हिज ड्रीम्स, पास्ट डेफिनेट टेंस नहीं है। तो इस तरह से आप पता लगाना या पूरा करना, कभी भी इंग्लिश जाननी हो तो कैरी आउट उठा लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट
नेक्स्ट वाला है कैरी ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी। ये तो पूरा फॉर्मूला ही लग रहा है, कैरी ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी। अब इस फॉर्मूले का मतलब सुनो क्या होता है, इसकी हिंदी होती है करते रहना या जारी रखना। बात एक ही है, दो इसलिए अलग अलग बता दिए, कोई कैसे बोलता कोई कैसे। सो कैरी ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी मतलब करते रहना या जारी रखना। अब जैसे मुझे कहना उसने क्रिकेट खेलना जारी रखा, भाई साहब बंद नहीं करा, बंदे ने कितना कुटा पिटा, उसी क्रिकेट के बैट से उसका पिछवाड़ा लाल किया पापा ने, लेकिन उसने क्रिकेट खेलना जारी रखा, उसने क्रिकेट खेलना, वह क्रिकेट खेलता रहा यानी ये काम करता रहा। तो इसकी इंग्लिश होगी he carried on playing cricket, he carried on उसने जारी रखा, ये काम करता रहा, playing cricket ing लगनी है ना verb की first form, तो play के साथ ing playing cricket। या चाहे तो इसे खाली carry on करके ही यूज कर सकते हैं, carry on plus verb की first form के साथ ing। जैसे पढ़ते रहो उठो मत बेटा, पढ़ते रहो बैठ जाओ पढ़ते रहो, पढ़ना जारी रखो, carry on studying या reading भी कर सकते हैं, ज्यादा खुजली हो रही है तो ing लगा दिया, बोलते रहो क्या, अब नीचे नहीं लिखा है, दो ही आएंगे तो मैं बोल रहा हूं, बोलते रहो कैरी ऑन स्पीकिंग, जाते रहो कैरी ऑन गोइंग, हंसते रहो कैरी ऑन लाफिंग, जाते रहो लाइक करते रहो कैरी ऑन लाइकिंग, कैरी ऑन शेयरिंग, कैरी ऑन सब्सक्राइबिंग। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कैरी अवे, कैरी अवे, कैरी से कैरिया याद आ रही है, हरी वाली जैसे होती है ना भाई साहब, आम वाली हो, कैरी अवे। अब कैरी अवे का हिंदी में मतलब होता है कंट्रोल से बाहर हो जाना, कंट्रोल की हिंदी तो मिली नहीं होगी तुम्हें जब भी कंट्रोल ही लिख दिया, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, हमें कौन सी पता है, तो आपको बताओ तो लिखना, कैरी अवे मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना। आप सुनो जैसे मुझे कहना है उसका आंसू कंट्रोल से बाहर हो गए, वैसे अपने आंसू नहीं रोक पाई, वो बेचारी बहुत रोई, वो बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, अपने अंदर जब्त कर रही थी, लेकिन उसके आंसू कंट्रोल से बाहर हो गए, तो इंग्लिश होगी शी कैरीड अवे हर टीयर्स, शी कैरीड अवे हर टीयर्स, यानी उसके जो आंसू से आंसू थे वो कंट्रोल में नहीं कर पाई, कंट्रोल से बाहर हो गए। अब जैसे मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, भाई साहब मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। सो इंग्लिश होगी आई विल कैरी अवे माय एंगर, आई विल कैरी अवे माय एंगर, मेरा जो गुस्सा है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल ही बोल देंगे ना हम, क्यों बोले इसे घटिया से, यहां से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कैरी अलोंग विद, कैरी अलोंग विद। अब इसमें कैरी और अलोंग विद में थोड़ा ज्यादा स्पेस दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कैरी के बाद किसी चीज का नाम लिखना है, बाद में अलोंग विद लिखना है, अभी बात करेंगे। कैरी अलोंग विद का हिंदी में मतलब होता है साथ ले जाना, किसी चीज को साथ ले जाना, मैं मोबाइल साथ ले गया, उसने तो मैं साथ नहीं ले गया, मैं पैसे साथ ले जाऊंगा, मेरा पर्स साथ नहीं लेके आया, मैं साथ ले जाना, वो कैरी अलोंग विद कहलाता है। जैसे मुझे कहना है वह थैला साथ ले गई, भाई साहब बहुत समझ बाजार में सब्जी खरीदने गई, थैला साथ लेके गई है, बैग कहते हैं थैले को, सो वह थैला साथ ले गई। सो इंग्लिश होगी she carried the bag along with her, she carried, अब कैरी की सेकंड फॉर्म ले गई, लेकिन उसके बाद along with नहीं आया, पहले बैग आया, इसलिए वहां स्पेस है क्योंकि उस चीज का नाम आएगा वहां पे जिस चीज को ले जाना है। she carried the bag along with her, अपने साथ ले गई। या फिर जैसे मुझे कहना है तुम्हें अपने साथ मोबाइल ही ले जाना चाहिए, मोबाइल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, कोई नाचने नहीं जा रहे हो, अपने साथ तुम्हें अपने साथ मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू शुड नॉट कैरी मोबाइल अलॉन्ग विद यू। देखो फिर मोबाइल कैरी के बाद आ गया, वो स्पेस में आ गया, यू शुड नॉट कैरी मोबाइल अलॉन्ग विद यू। सो मैं अपने साथ थैला ले जाऊंगा, मैं अपने साथ वाटर कूलर ले जा रहा, हम अपने साथ खाना ले जाएंगे, मोहल्ले वालों को ले जाओ, मुझे क्या है, माफ करो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। अब सुनो इसका क्या मतलब है, इसके भी दो मतलब, दो क्या होते हैं, एक ही है, वो मिलते जुलते ही है। इसका हिंदी में मतलब होता है आगे बढ़ाना या आगे ले जाना, आगे बढ़ाना या आगे ले जाना कैरी फॉरवर्ड कहलाता है। और मोस्टली ये कैलकुलेशन में ज्यादा इस्तेमाल होता है, नंबरों को आगे बढ़ा देना, टैक्स को आगे बढ़ा देना, लोन को आगे बढ़ा देना, मतलब कैलकुलेशन के मामले में इसका यूज ज्यादा होता है, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं, घुसेड़ घुसाड़ के इंग्लिश है, कहीं भी चिपका दो। आओ बनाते हैं, जैसे और टेंशन मत ले, अध्यापक तेरे मार्क्स दसवीं में आगे बढ़ा देंगे, नाइन्थ में तेरे पांच नंबर कम थे ना, देख इसी को जोड़ के आगे बढ़ा देंगे, अध्यापक तुम्हारे नंबर दसवीं में आगे बढ़ा देंगे। सो इंग्लिश होगी टीचर विल कैरी फॉरवर्ड योर मार्क्स इन टेंथ क्लास, टीचर विल कैरी फॉरवर्ड, अध्यापक तुम्हारे आगे बढ़ा देंगे, क्या आगे बढ़ा देंगे, मार्क्स अंकों को इन टेंथ क्लास दसवीं क्लास में। इस वीडियो को आगे बढ़ा दो प्लीज, देखना प्लीज आगे बढ़ा दो, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, फिर इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और एग्जांपल भी है, इस वीडियो को आगे बढ़ा दो, कैरी फॉरवर्ड दिस वीडियो, कैरी फॉरवर्ड दिस वीडियो। फिर मैं कैरी क्यों लगाऊं, खाली ये भी तो बोल सकता फॉरवर्ड दिस वीडियो, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन फिर सीख रहे तो यही बोल लो, कैरी फॉरवर्ड दिस वीडियो, यानी इस वीडियो को यहां से उठा के आगे फॉरवर्ड कर दो। सही है, अब हो गया कैरी फॉरवर्ड यानी बढ़ाना या आगे ले जाना। आओ अब नेक्स्ट
नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है कैरी थ्रू थ्रू नहीं कैरी थ्रू थ्रू है ये राबिये मुंह में कभी कुछ और समझो कैरी थ्रू बहुत काम का ये डेली लाइफ में से बहुत यूज करते हैं। कैरी थ्रू का हिंदी में मतलब होता है अंजाम देना यानी कि एंड तक ले जाना, मुश्किलों का सामना करते हुए किसी चीज को एंड तक ले जाना, पूरा करना, कंप्लीट करना, अंजाम देना कैरी थ्रू कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना है मैं अपने सपनों को अंजाम दूंगा, देख एंड तक ले जाऊं कितनी भी परेशानी आए लेकिन मैं अपने सपनों को अंजाम दूंगा, मैं अपने सपनों को अंजाम दूंगा एंड तक ले जाऊंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल कैरी थ्रू माय ड्रीम्स, आई विल कैरी थ्रू माय ड्रीम्स यानी मैं अपने सपनों को अंजाम तक ले जाऊंगा, एंड तक ले जाऊंगा, पूरा करूंगा। या फिर जैसे मुझे कहना है वो अपने वादे को अंजाम नहीं दे सका, वो अपने वादे को अंजाम तक नहीं पहुंचा सका यानी कि एंड तक नहीं पहुंचा सका, सो इंग्लिश होगी ही कुड नॉट कैरी थ्रू हिज प्रॉमिस, ही कुड नॉट कैरी थ्रू हिज प्रॉमिस, कुड नॉट मतलब नहीं कर सका, कैरी थ्रू मतलब अंजाम तक पहुंचाने का काम, हिज प्रॉमिस अपने वादे को, सो कैरी थ्रू यानी अंजाम तक पहुंचाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है कैरी वेट, इसको देख के तो पहले मैं समझा था कि वेट बढ़ा लेना, देखो देखो कितना बड़ा ये मैंने जान के बढ़ा रखा है, इतना ही है। सो कैरी वेट कैरी नीचे कह रहा हूं कैरी वेट कैरी क्या है ये कैरी वेट, अब बिगड़वा दिया तुम लोगों ने पेट के चक्कर में। कैरी वेट का क्या मतलब होता है सुनो, कैरी वेट का हिंदी में मतलब होता है असर होना, असर डालना, किसी चीज का असर होना, असर डल जाना कैरी वेट कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना तुम्हारे शब्दों का स्टूडेंट्स पर बहुत अच्छा असर होगा, स्टेज पर आओ और चुपचाप निकल लो गुटखा खा के, समझ गए, मतलब किसी तुम्हारे शब्दों का स्टूडेंट्स पर असर होगा, आप आओ स्पीच दो जरा मोटिवेट करो, तो सेंटेंस है तुम्हारे शब्दों का स्टूडेंट्स पर असर होगा, सो इंग्लिश होगी योर वर्ड्स विल कैरी वेट ऑन स्टूडेंट्स, योर वर्ड्स तुम्हारे शब्दों का विल कैरी वेट असर होगा ऑन स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों पर। एक और बनाते हैं जैसे मुझे कहना है उसकी गाली का मुझ पर असर हुआ और ऐसा असर हुआ कि मैंने फिर ठान लिया कि अब कभी गाली नहीं खाऊंगा जिंदगी में, इसलिए मैंने कहा मेहनत करना शुरू कर दिया, उसकी गाली का मुझ पर असर हुआ, तो इंग्लिश होगी हिज अब्यूज कैरीड वेट ऑन मी, हिज अब्यूज उसकी जो गाली थी कैरीड वेट, कैरी की सेकंड फॉर्म उठा ली नीचे से, ऑन मी मुझ पर बहुत असर हुआ, तो किसी चीज का किसी भी चीज पर असर होना कैरी वेट कहलाता है, चाहे दवाई का बीमारी पर असर होना, चाहे किसी की बात का किसी मनुष्य या व्यक्ति पर असर होना, तो ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है कैरी इनटू, इसके भी दो मतलब होता है, जैसे बहुत सारे आगे जिन जिन के दो दो मतलब थे लेकिन फिर भी क्या करें सिखाना मेरा काम है। कैरी इनटू के दो मतलब होते हैं, पहला है डालना, दूसरा है अंदर रखना, डालना यानी कोई चीज किसी चीज के अंदर डालना या फिर अंदर रखना कैरी इनटू कहलाता है। दोनों पे एग्जांपल देता हूं, डालने पे एक अंदर रखने पे, जैसे उसने सब्जी में मक्खन डाला, भाई साहब बहुत मक्खन डाल दिया उसने सब्जी में मक्खन डाला, तो इंग्लिश होगी ही कैरीड बटर इनटू द वेजिटेबल, इनटू सब्जी भी कह सकते हैं कोई दिक्कत ना हो इसमें, सो ही कैरीड बटर, उसने बटर डाला इनटू वेजिटेबल यानी सब्जी के अंदर। एक और बनाते हैं, जैसे मैं दूध फ्रिज में रखूंगा, बाहर नहीं रखने दूंगा किसी को भी, सुबह मलाई जमेगी अपुन खाएगा पीस पे लगा के, पीस मतलब ब्रेड पे लगा के, सो मैं दूध को फ्रिज में रखूंगा, तो रखना अंदर रखना भी होता है इसका मतलब, मैं दूध को फ्रिज के अंदर रखूंगा, सो आई विल कैरी द मिल्क इनटू द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के तलम बनाम होता ससुराल तक मुंह से नहीं निकला रेफ्रिजरेटर, फ्रिज ही सही है, सो मैं फ्रिज में दूध को रखूंगा फ्रिज के अंदर, तो इस तरह से आप कैरी इनटू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आया ना मजा। अरे हटाओ यहां से, गर्मी लग रही है बस। हाँ अब भाई साहब आपके लिए एक छोटा सा यूवर के लगाओ इनके लिए, ये रहे कुछ सेंटेंसेस, इन तीनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वही कैरी 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 वाली जितने भी मैंने आज आपको सिखाया उन्हीं में से देखना कौन सा सेट बैठ रहा है, लगा के इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हर्ट दूंगा, सभी लोग आते जाते लाइक करेंगे। इसका आंसर मैच करने के लिए कल वाली वीडियो देख लेना, लेकिन कल बीती हुई कल की जो वीडियो है उसमें जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैच कर लो जरा, लगाओ लगा दिया, अच्छा ये रही उसकी आंसर शीट, ये देख लो बिल्कुल आपने सही किया था, वैसे मैंने चेक कर लिया था। तो भाई साहब कैरी वाली क्लास भी हो गई, कैरी के सारे फ्रेजेस मैंने आपको लगभग सिखा दिए, अब अगली क्लास में कुछ नए फ्रेजेस लेकर आऊंगा, 30 दिनों के अंदर लगभग सारे फ्रेजेस मैं आपके फिनिश करवा दूंगा, नोटबुक पेन लेकर नोट कर लेना सारी चीजें। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और जाते जाते ये प्यारा सा लाइक देकर जाना।